जनपद खीरी के गोला के पास ग्राम देवकली में देर रात्रि एक गाय कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। कांति देवी ने बताया कि हमारी गाय सांड के कारण बंधन तोड़कर भागने के कारण पड़ोस में बने हुए पुत्तू लाल पांडे के कुएं में गिर गई। मैंने शोर मचाया कि हमारी गाय कुएं में गिर गई है, तो पास के लोग भाग कर आए। प्रमोद तिवारी व उनके बेटे एवं गाँव के लोग ने काफी मेहनत की। जब तक व्यवस्था की गई तब तक गाय मृतक अवस्था में पहुंच चुकी थी। मौके पर 100 नंबर व फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और कुएं में पानी भरकर गाय के मृतक शरीर को बाहर निकाला। ये गाय आपकी कब बजे गिरी थी कुएं में? यहाँ गिरी है यहाँ 10 बजे। 10 बजे के टाइम में गिरी है? क्या जान नहीं पाए थे क्या? ना हाँ कर दी की गई है तुम्हारी गिरी गई है। तब वहाँ से हम आए आए के रहता हूँ, देखा सड़वा खड़ा होती पर निकालने का प्रयास किया गया। हाँ करा का दर्द रहने ना ही मिला, तब बाद इस नंबर फोन करें तब फायर ब्रिगेड वाले भी आए थे। हाँ बताइएगा, जो गांव में कुआं में गिर के गाय जो खत्म हुई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कल रात 12 बजे के आसपास गांव के कांति देवी की गाय एक सकरे कुएं में गिर गई, जिसमें सूचना मिलने पर 100 नंबर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। इन सबके प्रयास से काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब तक गाय निकाली जाती, क्योंकि सकरा बहुत कुआं था, इसलिए गाय का दम घुटने से मौत हो गई। और फिर जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से 100 नंबर तथा फायर ब्रिगेड के मदद से उसमें पानी भर के उसकी डेड बॉडी निकाली जा सकी। तब जाके कहीं जो है सुबह 4 बजे के आसपास उसको निकाला जा सका, लेकिन तो, गाय को बचाया नहीं जा सका। अच्छा, तो आपको आपका क्या विचार है उस पर पत्थर उत्थर डलवाने का? आपने कुछ पत्थर, चूँकि वो व्यक्तिगत कुआं है गांव के पुत्तूलाल का जी, तो वो उसमें किसी तरीके का सहयोग नहीं बल्कि असहयोग करते हैं। वो किसी को भी उसमें कहते जो कुछ करना हम अपने आप करेंगे, नहीं तो इससे तो वहाँ पे बच्चे भी गिर सकते हैं। एक बार है, पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अब इसमें शासन स्तर पर ही किसी के हस्ते से कुछ हो सकता है, क्योंकि वो असभ्य लोग हैं, बगैर पढ़े लिखे लोग हैं। उनका मानना है कि इसमें कोई भी अगर व्यक्ति जो हस्तक्षेप करेगा या इसके मरम्मत कराएगा तो वो सोचते हैं कि हमारा कुआं वो अपने कब्जे में ले लेंगे, इसलिए किसी को कोई हस्तक्षेप करने नहीं देते हैं।